ज्ञान के वृंदस्य ज्ञानं जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम अपनी थीम कंटिन्यू करेंगे जो हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का थर्ड वर्स डिस्कस कर रहे थे, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोव्रते। तो आज संग त्यागात जो पांचवा पॉइंट था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर वर्ष के अंदर श्री प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं, संग त्यागत मीन्स गिव अप द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज, अभक्तों का संग छोड़ना। और चैतन्य महाप्रभु से एक बार किसी ने पूछा था कि वैष्णव का आचार क्या है, वैष्णव कौन होता है। तो एक बार उन्होंने ऐसा जवाब दिया, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का मतलब असत संग नहीं करना है। लेकिन संघ का मतलब क्या है, अगर हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, संग ग, ग मतलब जाना और संग मतलब साथ में। जब हम किसी के साथ में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम उनका संग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सड़क पर चलते हुए दिखाई देते हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं सब लोग, तो क्या वो साथ में जा रहे हैं? सब अलग अलग जा रहे हैं, एक ने लेफ्ट हैंड लिया दूसरा नहीं लेगा। लेकिन अगर साथ में जा रहे होंगे तो हमेशा साथ साथ ही चलते रहेंगे। तो आप साथ में कैसे चलते हैं, एक अटैचमेंट होता है, एक बॉन्ड होता है, तब समझ में आता है कि हम साथ में चल रहे हैं। जैसे इंजन है और इंजन के पीछे बोगी, अगर उससे अटैच है तो आप बोल सकते हैं कि बोगी इंजन के साथ 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 चल रही है। लेकिन अगर बोगी अटैच नहीं है तो इंजन चला जाएगा, बोगी वहीं रह जाएगी। तो संग को जब हम बोलते हैं कि अटैचमेंट है, उसका मतलब वो साथ साथ जा रहे हैं। जब किसी को रास्ता नहीं पता होता तो बोलते हैं कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, मैंने देखा नहीं है कहाँ जाना है, मुझे एड्रेस नहीं पता। तो जब मैं आपके साथ चलूंगा तो मैं अपने आप को आपसे जोड़ लूंगा, तो भले ही मुझे रास्ता नहीं पता लेकिन मैं आपके साथ साथ चिपक के जोड़ के चलता चला जाऊंगा और जहां आप पहुंच रहे हैं वहीं मैं पहुंच जाऊंगा। तो इसको संग बोलते हैं। तो इसके अंदर साथ में जाना और एक अटैचमेंट, बिना अटैचमेंट के आप साथ में नहीं चलते रह सकते। एक बच्चा, उसको रास्ता नहीं पता होता, उसको लाइफ का गोल नहीं पता होता, उसको नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो पेरेंट्स को इमिटेट करता रहता है। जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा बच्चा खुद करता है। भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठास, जैसा बड़े लोग श्रेष्ठ लोग जो काम करते हैं तो कॉमन लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता लाइफ में क्या सही है क्या गलत है। बड़े लोग जो काम करेंगे छोटे लोग अपने आप फॉलो करेंगे। इसीलिए लीडर्स को रास्ता पता होना जरूरी है। लीडर्स अगर गलती करेंगे तो फॉलोअर्स को बहुत नुकसान होगा उससे, क्योंकि फॉलोअर्स अपने आप को लीडर से अटैच करके रखते हैं। एक अंधा आदमी, उसको असिस्टेंस की जरूरत होती है। उसी तरह जिस व्यक्ति को लाइफ में क्या गोल है लाइफ का वो नहीं पता, उसको भी असिस्टेंस की जरूरत होती है। वो किसी न किसी को फॉलो करेगा, किसी न किसी का हाथ पकड़ के चलेगा। उसी तरह हमें लाइफ में सही या गलत जब नहीं पता होता तो हम किसी के भी पीछे लग लेते हैं कि हाँ ये जो कर रहे हैं सही कर रहे होंगे। जब हम किसी के साथ जुड़े होते हैं, जब हम किसी से अटैच होते हैं, तो हमें उनके जैसा वो कर रहे हैं वैसा करना पड़ता है। अगर आपने रास्ता नहीं देखा और आप किसी को बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने संग ले चल सकते हैं, मैंने रास्ता नहीं देखा, तो जब आप किसी के संग जा रहे हैं तो रास्ते में वो रुक गए खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। जैसा वो लोग कर रहे हैं वैसा आपको उनके संग फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने 2 घंटे का बीच में ब्रेक ले लिया, आपको भी वो ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं। भगवत गीता 2.62 कृष्णा बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। इसके अंदर परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस इज सब्जेक्टेड टू मटीरियल डिजायर्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। जो भक्त नहीं है, भगवान का भक्त नहीं है,
जब वो सेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी आ जाती है, अटैचमेंट आ जाता है, डिजायर्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम सब एक आनंद ढूंढ रहे हैं, एक खुशी ढूंढ रहे हैं, और कहाँ मिलेगी पता नहीं है, भगवान को जानते नहीं है हम। भक्ति में मिलेगा वो आनंद, ये हम जानते नहीं है। तो जब हम सेंसेस के टच में आते हैं, थोड़ी इंद्रिय तृप्ति होती है, थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, तो आनंद मिलता है, तो भटक जाते हैं। तो लगता है कि हाँ यहाँ आनंद मिल रहा है, तो फिर डिजायर्स आ जाती हैं, अटैचमेंट आ जाता है, फिर हम वहां पर फंस के रह जाते हैं। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? आपको रास्ता पता नहीं है, आपने किसी से कहा कि आप हमें अपने संग ले जाओ, और आप फिर उनके संग अटक गए। जब हम अपने आप को किसी चीज से अटैच करते हैं और बाद में समझ में आ भी जाता है कि ये तो गलत हो गया, तो एक बार अटैचमेंट का बॉन्ड बन गया तो फिर उसको छोड़ना आसान नहीं होता। जैसे एक बोगी ने डिसाइड किया कि अरे मेरे पास तो अपने आप चलने की कोई क्षमता नहीं है, मुझे तो एक इंजन चाहिए, तो आपने अपने आप को एक इंजन से जोड़ लिया और इंजन पटरी से उतर गया। तो क्या बोगी डिसाइड कर सकती है कि नहीं 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 ये तो इंजन गलत है, ये इंजन के संग नहीं जाना, मैं अपने आप को इस इंजन से अलग कर लेती हूँ, इंजन पटरी से उतर गया, मुझे पटरी से नहीं उतरना। ऐसा हो सकता है? एक बार आप अटैच हो गए, फिर इंजन पटरी से उतरेगा तो बोगियां भी पटरी से उतरेंगी। तो उसी तरह हमने कोई एक बार गलत काम कर लिया, कोई गलत संग कर लिया, गलत दोस्त बना लिए, फिर उसके बाद छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। हमें पता, समझ में आ भी जाता है कि ये मुझे गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड बन गया है, ये मेरे मित्र हैं, तो फिर हम उनको छोड़ नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है। वो लोग कृष्णा से दूर जा रहे हैं, हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम भी कृष्णा से दूर चले जाते हैं। मुझे याद है करीब 19 साल पहले, 18 करीब 20 साल पहले हम बेस में रहते थे, तो एक लड़का था, बहुत अच्छा भक्त था, हमारा मित्र था। उसने चैंटिंग करना छोड़ दिया। क्यों? मेरी माँ बोलती है कि तुम छोड़ दो। तो फैमिली मेंबर्स अगर कुछ बोल रहे हैं, हालांकि हमें पता है वो गलत बोल रहे हैं, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम अटैच हैं अपने फैमिली मेंबर्स से, तो वो जो बोलेंगे कि छोड़ दो, तो हम छोड़ देते हैं भक्ति का पाथ। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर दो प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि जो हमारे अटैचमेंट्स हैं, अटैचमेंट हैं, हम कुछ कर नहीं सकते उनका, लेकिन हम उनको मेंटेन करके रखते हैं। 10th ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम बोलता है, इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस, नहीं क्या है वो, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड टू मेंटेन मटीरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर। अटैचमेंट होना अलग बात है, लेकिन अटैचमेंट को मेंटेन करके रखना कि हाँ ये मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ नहीं पा रहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, ये अलग बात है, लेकिन मैं छोड़ना चाहता ही नहीं हूं, ये एक अपराध है, 10th ऑफेंस। तो उसी तरह जब हमें समझ में आता है कि कहीं गलत फंसा हुआ हूं, कुछ बुरी आदतें हैं, कुछ गलत लोगों के संग मेरा जुड़ाव बहुत ज्यादा है, तो क्या हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहां से बाहर निकलने का? अगर नहीं कर रहे तो ये अपराध है। अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर हम भगवान का शेल्टर ले पाएंगे, तब हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब हम स्ट्रगल ही नहीं कर रहे, जब हम कुछ करना ही नहीं चाहते, तो भगवान भी हमारी कैसे मदद करेंगे? दूसरी प्रॉब्लम है, हमें अपने अटैचमेंट्स समझ में नहीं आते। एक तो अटैचमेंट समझ में आ गए लेकिन फिर भी पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको छोड़ना बड़ा तकलीफ देह होता है। और दूसरा, उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, अटैचमेंट समझ में ही नहीं आते। जब आप किसी पेड़ की शाखा और तना सब कुछ काट देंगे और खाली रूट्स रह जाएंगी, जड़ रह जाएंगी, तो वो पेड़ दोबारा ग्रो करेगा, क्योंकि जड़ है अभी अंदर, और देखने में क्या लगता है, सब कुछ साफ हो गया। लेकिन जब बारिश होती है तो सब जगह हरियाली आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जड़ें, कहीं ना कहीं बीज हैं, तो जैसे ही उस पर थोड़ा पानी पड़ता है, हरी हरी घास पैदा हो जाती है जो बारिश से पहले कहीं नहीं दिखती थी। उसी तरह हमारे मन के अंदर जो एंजॉय करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसकी जड़ हमेशा हमारे मन में रहती है, और जैसे ही एंजॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर निकल के आ जाती है और हम एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो रियल प्रॉब्लम क्या है? रियल प्रॉब्लम है प्रोपेंसिटी टू एंजॉय। रियल प्रॉब्लम इज नॉट कि हम एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने मीठा छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं, अगर मैं मीठा नहीं खा रहा तो मैं मीठे से अटैच नहीं हूं। जब मेरे सामने कोई मिठाई आती है तो क्या इच्छा आती है खाने की? दैट इज द रियल प्रॉब्लम। तो
तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला जैसे मैंने कहा, एक तो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। भगवत गीता 2.59 में कृष्णा बोलते हैं, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब तक हायर टेस्ट नहीं मिलेगा तब तक लोअर टेस्ट नहीं जाएगा, और लोअर टेस्ट अगर है और गया नहीं है तो इसका मतलब अटैचमेंट है। हम वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन अटैचमेंट है। जब हम रस्सी से बंधे हुए हैं, वो कोई रस्सी को खींचता है, हमें घसीटता है, तो हम घसीटे जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें इस समय नहीं घसीट रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हाथ नहीं बंधे हुए, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जब कोई हमें घसीटेगा, हम घसीटे जाएंगे, अटक जाएंगे। अभी हमारी डिजायर्स हमको नहीं मार रही है, लेकिन डिजायर्स से जुड़े हुए हैं, डिजायर्स हैं। जैसे ही वो डिजायर्स आएंगी, हम खींचे जाएंगे। लस्ट है अंदर, अभी अभी लस्ती फील नहीं कर रहे, सामने कोई सुंदर स्त्री आएगी, घसीटे जाएंगे। मीठे से बहुत अटैच हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा खाना, लेकिन अभी खाने के बारे में नहीं सोच रहा क्योंकि अभी मैं क्लास दे रहा हूं। लेकिन जब सामने कोई मीठा आएगा, घसीटा जाऊंगा, मीठा खाने की इच्छा होगी, मीठा खाने की कोशिश करूंगा। तो हम कई बार स्ट्रिक्टली कुछ वाउज लेते हैं, फॉलो करते हैं, और जब हम फॉलो कर पाते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, देखो मैंने ऐसा कर लिया, देखो मैंने इतनी ऑस्टेरिटी कर ली। लेकिन हमारे अंदर की इच्छा है या नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। हम कितनी भी ऑस्टेरिटी कर लें, लेकिन अगर वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी खत्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब डिजीज अभी गया नहीं है, बीमारी अभी तक गई नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसके परपोर्ट में, अनलेस वन इज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड इट इज नॉट पॉसिबल टू सीज फ्रॉम सेंस एंजॉयमेंट। तो ये दोनों चीजें बहुत जुड़ी हुई है, हायर टेस्ट आना और लोअर टेस्ट का जाना। अपने अंदर हम झांक के देखें, भले ही मैं कुछ कर नहीं रहा हूं गलत काम, लेकिन गलत काम करने का टेस्ट है या नहीं, अभी गया है कि नहीं गया। तो वो टेस्ट गया है तो इसका मतलब आपको हायर टेस्ट आया है, बिना हायर टेस्ट के लोअर टेस्ट जा नहीं सकता। हम बोलते हैं कि प्लीज प्रे फॉर मी दैट आई गेट टेस्ट इन चैंटिंग, वो प्रेयर हम इंटेंसली कभी कर ही नहीं पाएंगे जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि लोअर टेस्ट में फंसा हुआ हूं मैं। और जब तक हम लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, तब तक हम भगवान के सामने याचना नहीं कर पाएंगे, भीख नहीं मांग पाएंगे कि मुझे हायर टेस्ट दो, मैं फंसा हुआ हूं। जो इंसान एक कुएं में गिरा है, अंधे कुएं में, वो बाहर निकलने के लिए चिल्ला नहीं पाएगा जब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां फंसा हुआ हूं, क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं बहुत यहाँ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मैं सूखे कुएं में, कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा, मैं फंसा हुआ हूं। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि आई एम होपलेस एंड हेल्पलेस, तब तक हम भगवान का नाम लेकर भगवान को अच्छे से पुकार नहीं पाएंगे। यमुनाचार्य एक प्रेयर बोलते हैं, बोलते हैं कि जब भी मैं स्त्री संघ के बारे में सोचता हूँ, सेक्स लाइफ के बारे में सोचता हूँ, तो मेरा मुंह ऐसा सिकुड़ जाता है, ऐसे करके। मतलब दिस इज द स्टैंडर्ड, क्या जब हम कोई सेंस एंजॉयमेंट के बारे में सोचते हैं हमें लगता है छी कितना बेकार है ये, ऐसा लगता है कभी भक्ति के सामने? तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। जब तक हम इस स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंचते, इसका मतलब प्रॉब्लम है। सिर्फ थोड़े समय का सवाल है, जड़े अंदर है, वो जरा सा उनको मौका मिलेगा वो निकल के बाहर आ जाएंगी और हम फिर से फंस जाएंगे। जैसे बारिश में घास उग जाती है और सब कुछ दिखाई देने लगता है, तो उसी तरह हम एक्सपोज हो जाएंगे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। अभी कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन नहीं है तो हम अपने आप को क्या समझते हैं, अरे मैं तो बड़ा धीर गंभीर हूं, मुझे कोई चीज हिला नहीं सकती, मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, मैं तो बहुत सेंस कंट्रोल्ड हूं। लेकिन जरा सी अपॉर्चुनिटी आई, जरा सा प्रोवोकेशन आया, तो बस आपा खो दिया, इसका मतलब मेरे अंदर बहुत प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम को हमें समझना पड़ेगा कि टेस्ट कहाँ है मेरा। और जब हमें वो प्रॉब्लम समझ में आएगी, तब हमें समझ में आएगा अरे मैं तो फंसा हुआ हूं। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवान की माया तो उसका पार पाना तो बहुत मुश्किल है, दुरत्यया है। गुणमयी रजोगुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से हम बंधे हुए हैं, तो जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम एक्चुअली बहुत बुरी तरह बंधे हुए हैं, जहां जाना चाहे वहां जा नहीं सकते, तब हमें समझ में आएगा कि अरे मैं तो बहुत लाचार हूं,
और जब तक लाचारी नहीं समझ में आएगी, हम भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे, हेल्पलेसली पुकार नहीं पाएंगे कि मुझे बचाओ। तो इस लाचारी को ध्यान में रखते हुए कि मेरे मेरे सामने जरा सा भी कोई एंजॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं खींचा जाता हूं, जरा सा कोई मेरा आदर सत्कार नहीं करता मुझे गुस्सा आता है, जरा सा कुछ प्रॉब्लम होती है मैं भटक जाता हूं। हरिदास ठाकुर के सामने वो वैश्य आई थी, हरिदास ठाकुर आराम से मना कर दिया, बोले कि अभी मेरा जप बाकी है, जप खत्म होने के बाद मैं आपके संग संग करता हूं। हमारे संग ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, अभी नहीं हो रहा तो हम आराम से जप कर रहे हैं, लेकिन जब कोई फोन कॉल आ जाएगा या कोई छोटा मोटा डिस्ट्रैक्शन आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्या हम जपा करते रहेंगे या छोड़ देंगे। तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारी जपा की टेस्ट कितनी है, हमारा जपा का जो डिटर्मिनेशन है या रेजोल्यूशन है वो कितना स्ट्रांग है। एक्चुअली हम हेल्पलेस हैं, अभी हम जपा कर पा रहे हैं क्योंकि कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप मेरे जो अटैचमेंट्स हैं उनको निकालिए, क्योंकि अटैचमेंट में अभी अटैचमेंट के पीछे नहीं भाग रहा, अभी तो मैं आपका नाम ले रहा हूं लेकिन आपसे मुझे वास्तव में कोई प्रेम नहीं है, जैसे मेरे अटैचमेंट आएंगे मैं अटैचमेंट्स की तरफ भाग जाऊंगा। तो मुझे इतना हरि नाम में टेस्ट दीजिए कि जब कोई अटैचमेंट्स मेरे सामने आए तब मैं उनको मना कर सकूं और उनको बोल सकूं कि अभी मैं हरि नाम कर रहा हूं, हरि नाम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब तक हम इस स्टेज पर नहीं पहुंचते तब तक हमारी पोजीशन सेफ नहीं है। और जो ये जो वर्ड्स बोलता है संग त्यागात, संग त्यागात का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सटर्नली काम करना बंद कर दें, वो तो है ही, वो तो पहला स्टेप है। संग त्यागात मतलब अटैचमेंट अपने मन से निकालना है, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, अवैष्णवों का संग नहीं कर रहा, ठीक है कि लेकिन क्या उनका संग करने की इच्छा है मेरे मन में। जब भी मैं देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे हैं, फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, मैं स्पेन घूमने गया था, मैं टर्की घूमने गया था, लंदन गया था, सिंगापुर घूमने गया था, ऐसी ऐसी फोटो खिंचवाई, ये रेस्टोरेंट में खाना खाया, ये ऐसी ऐसी मेरी जॉब है लिंक्डइन पे, तो उन लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में क्या इच्छा होती है, काश मैं भी यहाँ होता, काश मैं भी ऐसे खाता पीता, काश मैं भी ऐसे घूमता। अगर ये भावना है तो इसका मतलब वो संग, वो अटैचमेंट अभी भी है। हम उनका एक्सटर्नली अटैचमेंट संग नहीं कर रहे, वो पहला स्टेप है, लेकिन इंटरनली तो अपना मन वहीं पर है, उन्हीं चीजों में घूमता रहता है। तो संग त्यागात मतलब अल्टीमेट लेवल पे सिर्फ उनका संग करना, एक्सटर्नली बंद नहीं करना है, अपने मन से वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी जो नॉन डिवोटीज एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी हमारे अंदर भी है, तो वो एंजॉयिंग प्रोपेंसिटी खींच के निकालनी है और वो भगवान की कृपा के बिना नहीं निकलेगी। ब्रज विहारी प्रभु ने अभी यात्रा में क्लास दिया था तो उसके अंदर उन्होंने बोला था चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में से फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वर्स, दुर्गमे पथिमे अंधस्य स्खलत पाद गतेर मुहु, मेरा जो रास्ता है वो बहुत कठिन है, दुर्गमे पथिमे मेरा पाथ बहुत कठिन है, दुर्गमे पथिमे अंधस्य स्खलत, स्खलत मतलब फिसलना, स्खलत पाद मेरा पैर फिसल जाता है इस रास्ते पे, पहले तो रास्ता बहुत कठिन है, दूसरा मैं अंधा हूं और मेरा पैर भी फिसल रहा है। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, आप अंधे हैं, इधर खाई उधर खाई और पैर भी फिसल रहा है, और एक बार नहीं, स्खलत पाद गतेर मुंह, बार बार। तो हमारी भक्ति में ऐसी सिचुएशन होती है, एक तो रास्ता बड़ा टफ है, जब बात समझ में आ जाती है कि सेंस कंट्रोल करना है, उत्साह दिखाना है, पेशेंस रखना है, सब चीजें कर नहीं पाते, बहुत मुश्किल है पहली बात तो करना, और दूसरा क्या सही है क्या गलत है उसकी उसका ज्ञान कई बार निकल जाता है, अकल पे पर्दा पड़ जाता है, और जब अकल पे पर्दा नहीं है, पता है रास्ता टफ है, रास्ते पे जैसे तैसे चल रहे हैं तो बार बार फिसल जाते हैं। हमारे जपा ग्रुप में कितने सारे भक्त जो 2021 में हमारे साथ चैंटिंग करते थे, ऐसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कंसिस्टेंटली कई कई महीने पूरे पूरे साल उन्होंने एक भी दिन नहीं छोड़ा था, सडनली गायब हो गए, फिसल गए। तो हम कितने भी अच्छे स्टैंडर्ड फॉलो कर लें फिसलने में देर नहीं लगती और बार बार फिसल जाते हैं, कर रहे हैं, एक महीना दो महीना चार महीना छह महीना सडनली फिसल जाएंगे। कई कई भक्त सालों तक अच्छी भक्ति करते हैं, सडनली जपा छूट जाता है, फिसल जाता है,
तो सॉल्यूशन क्या है? स्वकृपा यष्टिदानेन संत सत्वावलंबनम। तो मेरा रास्ता कठिन है, मैं अंधा हूं, अब मेरा पैर बार बार फिसल रहा है, लेकिन स्वकृपा अपनी कृपा, यष्टि, यष्टि मतलब लाठी, अपनी कृपा की लाठी अगर मुझे देंगे, दाने ना अगर मुझे देंगे, मुझे दान मिलेगा कृपा की लाठी का, किसका? संतों का। संतः संतु अवलंबनम, उनकी जो कृपा की लाठी है, मुझे उसका अगर सहारा मिलेगा तो मैं शायद आगे बढ़ पाऊंगा। एक अंधे को क्या चाहिए? लाठी चाहिए। आप फिसल रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए। रास्ता कठिन है तो आपको क्या चाहिए? एक सपोर्ट चाहिए। तो जब वैष्णवों की कृपा होती है, जब वैष्णव हमें अपनी वाणी से, अपने आचरण से हमें सिखाते हैं, समझाते हैं और हमें बात समझ में आती है, तब हम इस रास्ते पे चल पाते हैं। तो आज हम यही प्रार्थना करेंगे कि मुझे भक्ति में, जप में, नाम जप में, हरिनाम जप में एक हायर टेस्ट मिले, और वैष्णवों के संग के बिना हम अवैष्णवों का संग छोड़ नहीं सकते, तो वैष्णवों का संग मिले, उनके संग में मेरे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए और मैं अपने अंदर से ये जो संग है, ये जो अटैचमेंट है, ये जो अभक्तों के साथ में चलने की इच्छा है, उनकी तरह एंजॉयमेंट करने की इच्छा है, वो पूरी तरह मेरे मन से निकल पाए, तब मेरी भक्ति क्षण भर भक्ति प्रसिद्ध्यति, तब मेरी भक्ति अच्छी हो पाएगी। तो इस भावना से आज हम 32 माला का जप करेंगे। हरे कृष्णा।